घर का ध्यान रखना भैया, आज तो गया मैं, कल को लेने आ जाइयो। ये आखिरी शब्द थे अनाज मंडी इलाके की एक बिल्डिंग में आग लगने की घटना में मारे गए मूसा के। रविवार को हुए रूह कपा देने वाले इस अग्निकांड ने 43 जिंदगियां लील ली। इसी में एक मूसा ने दम तोड़ने से पहले अपने पड़ोसी को फोन लगाया था और बातचीत के दौरान वो कई बार रोने लगा। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। बिल्डिंग में धुआं भर जाने के कारण उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसने कहा, अब सांस भी नहीं आ रही है भैया। भैया अब क्या होगा? भैया गए अब तो, अब 2-4 मिनट का ही मामला है। 30 साल के मुशर्रफ अली उर्फ मूसा की इस फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग से उस भयावह मंजर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसने बिजनौर में अपने पड़ोसी मोनू यानी कि शोभित अग्रवाल को रविवार के सुबह तब फोन लगाया था जब उसे लगा कि अब उसका बचना मुश्किल है। वो 4 साल से फैक्ट्री में काम कर रहा था। 4 बच्चों का पिता मूसा बातचीत के दौरान कराह रहा था। उसने मोनू से पूछा था कि क्या वो अब फोन लाइन पर है। उसने कहा, हेलो। जब उधर से आवाज़ आई तो मूसा ने कहा, ठीक है भैया मोनू, जैसे तैसे मेरे घर को चला लियो, बच्चों के बड़े होने तक, या अल्लाह अभी किसी को मत बताना, आराम से बताना और तैयारी कर लियो यहाँ आने का। उसने मोनू से निजामुद्दीन के किसी एक व्यक्ति से उधार के 5,000 रुपये वसूलने को भी कहा। इस पर मोनू ने उसे ढांढस बधाया, कर लेंगे भैया, तू टेंशन मत ले, आ रहे हैं भैया। वो गाड़ी नहीं आई क्या पानी वाली? कोशिश कर बचने की, निकलने का रास्ता नहीं है। जवाब में मूसा ने कहा, भागने का कोई रास्ता नहीं है। दर्द से उसकी कराह और भी बढ़ गई जो फोन कॉल में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बाद में मूसा के भाई फुरकान सलीम ने LNJP अस्पताल से बाहर कहा, मैंने उसकी लाश को पहचान ली है। पुलिस ने मुझे कहा कि अत्यंत परीक्षण यानी कि ऑटोप्सी के बाद शव को सौंप देंगे। उसके शरीर पर जलने का कोई निशान नहीं था। लगता है कि वो दम घुटने से मर गया। मुझे उसके बच्चों की चिंता हो रही है। कुछ खुशनसीब थे जो इस भीषण अग्निकांड में बच निकले। उन्हीं में से एक मोहम्मद अफजल ने बताया कि उसने कैसे अपनी जान बचाई। उसने कहा कि जब आग लगी तो मैं 3री मंजिल पर सो रहा था। कमरे में 11 और लोग थे। हमें 4:30 बजे के आसपास धुआं फैलने का एहसास हुआ। आग हमारे बगल वाले कमरे तक पहुंच चुकी थी। अफजल ने अपने मुंह पर कपड़ा रख लिया और अगले 2 घंटों तक रुक रुक कर सांस लेता रहा। उसने बताया, मैं खिड़की के पास ही रहा, लेकिन इतनी ऊंचाई से कूदना मुश्किल था। मुझे पुलिस वालों ने करीब 5:30 बजे से वहाँ निकाल लिया। बाकी मुझे कुछ याद नहीं। अफजल का इलाज लेडी हार्डिंग अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि 28 साल का वाजिद जब LNJP अस्पताल में शव गृह में पड़ी अपने 23 वर्ष के भाई साजिद की लाश को देखकर लौटा तो वो लगभग अचेत होकर जमीन पर गिर गया। उसे रिश्तेदारों ने संभाला। उसे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वो तो बच निकला, लेकिन उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। एक रिश्तेदार ने बताया कि वो अपने छोटे भाई साजिद को वहाँ से निकालने में नाकामयाब रहा और उसकी यानी कि साजिद का दम घुटने से जान चली गई।